स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जिमिंग का तो रोज एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, तो आज अपन पार्ट टू पे मूव कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, 10th क्लास का। 12th क्लास में इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पहचाना जाता है। इसमें अपन आज जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले आपके सामने है, तो फर्स्ट उसका आपका क्वेश्चन लिख लो, उसका राइट ऑन क्वेश्चन। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यहां बैटरी लगे हुई दिख रही है आपको, 3 वोल्ट की है, बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स। अपने 4 रजिस्टर है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, शोन इन द फिगर। आप सर्किट बार में ड्रॉ कर लेना। मैंने कल भी आपको बताया था पार्ट वन में कि अपन पहले उसको रफ स्केच तैयार करेंगे उसका, तो उसको रफ स्केच तैयार कर रहे हैं। प्लीज आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जमा तो रोज मैं एक एक वीडियो डालूंगा इसका, प्रॉब्लम्स का। पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी कवर कर रहे हैं, उसके बाद लाइट की तरफ मूव करेंगे। तो रफ स्केच कर रहे, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ये प्रॉब्लम देखो ऐसा भी आ सकता है, ये प्रॉब्लम कई बुक में स्टेप से पूछा गया, तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है। तो इसको ये सेम प्रॉब्लम को यहां कनेक्ट कर देता हूं मैं लाइक दिस, तो इसका कॉन्सेप्ट अगेन चेंज हो जाता है। तो इसको आप एक ही प्रॉब्लम को बोर्ड में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ कनेक्शन आता अलग सर्किट तैयार होगा, ये कनेक्शन यहां कर दिया तो अलग तैयार होगा, ये कनेक्शन मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया तो अलग तैयार होगा। ओके, तो सपोज ये सर्किट यहां लगा हुआ है, तो आपको ऑब्जर्व करना रफली पहले कि 10 ओम रेजिस्टेंस, सिंबॉलिकली आप बोलना तो R1, R2, R3, R4 बोल सकते हो। सपोज ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। यू ऑब्जर्व दैट यहां आपका एंड, ये एंड, इसके ये दो, ये जो लूप है ये फ्री है, तो यहां पे क्या होगा, R1, R2 एंड R3, क्या बोला मैंने, R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, एस फॉर सीरीज है, रफ स्केच बना रहे पहले अपन। तो इतना जो लूप है ये पहले पूरा का पूरा सीरीज में जाएगा, इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा जिसको सिंबॉलिकली अपन RS बोलेंगे, निकालेंगे उसकी वैल्यू अपन बाद में। ये जो RS बनेगा आपका, ये इसका बन गया RS, मैं कलर चौक यूज करता हूं ताकि कोई क्लियरिटी आए उसके अंदर, ये हो गया आपका RS। अब ये जो RS बनेगा वो इसके साथ, RS जो काम बन रहा है ये यहां से लेके यहां तक का RS बना, तो इसके साथ कायम आएगा, गुड, कायम आएगा और R4 के साथ पैरेलल में आएगा। तो RS निकालने के बाद रफ स्केच क्या बनेंगे अपन, जो RS है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिला तीन के कॉम्बिनेशन से, RS एंड R4 आर इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम में भी आपको पहले सा रफ स्केच तैयार करना है, हाँ आधा मिनट ज्यादा लगा तो चलता है, बट प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए, उससे आपको समझ आता है आपने बरोबर किया। वो होने के बाद इसका जो मिलेगा इक्विवेलेंट उसको सिंबॉलिकली अपन RP बोलेंगे, क्यों, पहले कॉम्बिनेशन से मिला। बट आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख के दिया मैंने आपको, निकालना क्या है आपको, करंट निकालना है ना, करंट निकालना है। तो करंट के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे, आपके ओम्स लॉ, यू नो वी इज इक्वल टू IR, वो अप्लाई करना पड़ेगा। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस मिल चुका रहेगा आपको इक्विवेलेंट आरपी के थ्रू, उसके बाद जस्ट ओम्स लॉ लगाना, यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट। चलो अप्लाई रफली ऑप्शन समझ में आएगा आपको क्या बोला मैंने, सॉल्व करने जा रहे हैं उसको अपन। पहले RS निकालेंगे, तो RS इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, एज यू नो दैट ऑल हैविंग द सेम वैल्यू, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 प्लस 10 प्लस 10, व्हाट यू गेट, RS शुड बी इक्वल टू 30 ओम बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, बरोबर है, समझ आया सबको। चलो आगे बढ़ते पैरेलल में, पैरेलल में जाते हो फॉर्मूला ऑफ 1/RP, 1/RP शुड बी इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R4, यहाँ पे RS जो इक्विवेलेंट आया था वो R4 के साथ पैरेलल में जा रहा है, राइट। चलो वैल्यू पुट अप करो, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखो सॉल्व करने में इजी आता है। RS आपका 30 आया तो R4 आपका 10 का है, तो यहाँ पे 1/10, अगर आप इसको कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा RP, मैं कैलकुलेशन पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको करके देख लो, एलसीएम लेके सॉल्व अगर करते हो
तो आपका जो आरपी आएगा वो आएगा 30/4 करके देख लेना, वो आएगा 30/4 राइट। और उसको और सॉल्व करते हो तो उसका आंसर आता है 7.5 ओम। ये आपको अभी टोटल रेजिस्टेंस मिल गया अक्रॉस दैट सर्किट, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ को याद करो, विशाल सर को याद नहीं करना चलता, बट ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू आईआर, आपको करंट निकालना है ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आईआर करने जा रहे हैं अपन, तो कैसा हो जाएगा, अप्लाई करो यहाँ पे V is equal to IR, R मतलब यहाँ पे सिंबॉलिकली आपका RP रहेगा, राइट। आपको निकालना है करंट I, therefore करंट I is equal to क्या होगा, V by RP, विशाल सर by RP, which is equal to विशाल सर कितने वैल्यू की थे, पोटेंशियल था आपका 3 वोल्ट का, राइट है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट पुट अप कर रहे हैं अपन, 3/4 ये जो था आपका, तो 30/4 लिखा वहां पे तो भी चलेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा थोड़ा सा, वैसे लिखो 7.5 लिखो, दोनों चलता है, मगर 30/4 लिखता हूं तो बाय 4 ऊपर आके इनटू में 4 आ जाएगा। अगर आप उसको सॉल्व करते हो, दिख ही रहा आपको, देखो वहां पे उसको सॉल्व करते हो, 3 से 30 कट गया, तो व्हाट यू गेट, रिमेनिंग क्या रहेगा आपका वहां पे, तो आपका जो करंट रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू, जो बच जाएगा वहां पे वो बचेगा आपका 4/10, तो विच शुड बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से आर एस मिटा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो I should be equal to 0.4 एम्पियर, ये उसका आंसर है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ो, मेहनत करो तो क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आज अपन एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में जमा दो, कल करता हूँ उसका प्लानिंग, अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, है ना, अपने जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना अच्छा रहेंगे आगे के लिए। चलो गुड बाय एंड होप वी विल मीट इन द next class soon. Thank you very much. Bye.